नमस्कार, मैं गिरीश नाथ झा, स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और संगणकीय भाषा विज्ञान पढ़ाता हूँ। संस्कृत शिक्षण शास्त्र विषय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से पक्षतः आयोजित अर्पित 2019 ऑनलाइन पुनश्चर्य पाठ्यक्रम में भवतः हार्दिक स्वागत। अद्य वये भाषा विज्ञान संगणकीय भाषा विज्ञान इतने विषय ज्ञायाम। लिंग्विस्टिक्स और भाषा विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है संस्कृत विभागों और विश्वविद्यालयों के लिए, और इसमें हम भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, भाषाओं के सारे स्तर और उनके प्रायोगिक क्षेत्रों में। ये एक बहुविषयक विषय है। इसमें हम जो अन्य सारे पार्टिसिपेटिंग डिसिप्लिन्स हैं, जैसे नेचुरल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज, इनके मेथड्स और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। भाषा के कई स्तर होते हैं अध्ययन के, और जैसे कि ध्वनि का स्तर है, जिसमें हम साउंड प्रोडक्शन और परसेप्शन की बात करते हैं, जिन्हें हम फोनेटिक्स कहते हैं, इसको हम स्वन विज्ञान कहते हैं। ये जो शब्दावली है, ये मैंने तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया है। और जब हम ध्वनियों को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं शब्दों में, तो फोनोलॉजी कहा जाता है उसको, स्वन विज्ञान कहते हैं। और शब्दों को बनाने की प्रक्रिया या शब्दों को समझने की प्रक्रिया को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, रूप विज्ञान कहते हैं इसको हिंदी में। फिर आगे बढ़ें तो वाक्यों के स्तर पे हम भाषा का अध्ययन करते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्यों को कैसे समझा जाता है, इसे सिंटैक्स कहा जाता है भाषा विज्ञान में, और या वाक्य विज्ञान कहा जाता है। फिर हम शब्दों या वाक्यों के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं, या अर्थ कैसे स्पष्ट होते हैं शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा, इसके अध्ययन को सेमांटिक्स यानी अर्थ विज्ञान कहा जाता है। और फिर कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में कैसे शब्दों का अर्थ निकलता है, वाक्यों का अर्थ निकलता है, इसको प्रैग्मैटिक्स कहा जाता है, इसके अध्ययन को संकेत प्रयोग विज्ञान इसकी शब्दावली है। भाषा विज्ञान के कई मुख्य सब डिसिप्लिन्स हैं, मुख्य विषय क्षेत्र हैं, और सबसे पुराना जो क्षेत्र रहा है भारत में जिसका अध्ययन काफ़ी हुआ है, प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा या जो काल्पनिक भाषा है इस विषय के तहत, और इसको हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स की संज्ञा दी जाती है आमतौर पे, इसको ऐतिहासिक भाषा विज्ञान हिंदी में हम कहते हैं। समाज भाषा विज्ञान वो विषय है जिसमें हम भाषा का जो परिवर्तन है, भाषा की जो स्थिति है समाज में, उसका अध्ययन करते हैं, उसे समाज भाषा विज्ञान हम कहते हैं। संगणकीय भाषा विज्ञान यानी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में हम प्राकृतिक भाषाओं का रूपात्मक और कंप्यूटेबल मॉडल तलाशने का प्रयास करते हैं, और जिससे हम भाषाओं के लिए सॉफ्टवेयर बना सकें, जो कि मेरा मुख्य विषय है। संगणकीय भाषा विज्ञान की चर्चा आगे करेंगे हम विस्तार से थोड़ी। साइकोलिंग्विस्टिक्स एक विषय है जिसमें हम मनुष्य के मस्तिष्क में भाषा कैसे रहती है, कैसे रिप्रेजेंट होती है, कैसे उसका विस्तार है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, मनोभाषा विज्ञान इसको हम कहते हैं। एक नया क्षेत्र, बहुत नया तो नहीं है, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स का, जो कि काफ़ी उपयोगी आजकल हो रहा है। और कॉर्पस भाषा विज्ञान में हम जो रियल वर्ल्ड लैंग्वेज सैम्पल्स हैं, जो हम भाषा का व्यवहार करते हैं, जैसे इंटरनेट पर भाषाओं का काफ़ी व्यवहार हो रहा है, उन सारे डेटा को एकत्र करके हम उसका अध्ययन करते हैं, उसे कॉर्पस भाषा विज्ञान कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है भाषा विज्ञान में हमेशा, कि आखिर जब हम भाषा सीखते हैं या भाषा का व्यवहार करते हैं, तो मस्तिष्क को कितना ज्ञान चाहिए होता है उस भाषा के व्यवहार के लिए। इसे हम नॉलेज ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, भाषाई ज्ञान कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हमें उस भाषा के जो साउंड सिस्टम है, जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनियों का जो विस्तार है, उसका ज्ञान होना चाहिए, और साथ ही शब्दों के बनने बिगड़ने का भी ज्ञान उसमें होना चाहिए, और वाक्यों को कैसे बनाते हैं नियम के तहत, वो भी ज्ञान हमारे अंदर में होना चाहिए। यानी एक निश्चित हम नियम सीख लें और उस नियम से हम अनगिनत वाक्य शब्द बना सकें, ऐसी क्षमता मस्तिष्क में आनी चाहिए। साथ ही शब्दों का और वाक्यों का अर्थ कैसे लगाते हैं, ये क्षमता भी हम प्राप्त करते हैं भाषा ज्ञान के अंतर्गत। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर मानव मस्तिष्क भाषा को सीखता कैसे है। इस पर काफ़ी शोध हुए हैं, बहुत दिनों से शोध चल रहा है, हमारी परंपरा में विस्तार से चर्चा हुई है, और पश्चिम में भी काफ़ी चर्चाएं इस विषय पे हुई हैं। तो
तो ऐसा माना जाता है कि क्या हम सारी ध्वनियों को, शब्दों को, वाक्यों को, जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सीख लें तो क्या भाषा सीख जाएंगे हम? ये प्रश्न बार बार उठता है। और क्या हम भाषा में जो शब्द हैं और जो नियम हैं उसको सीखने के बाद हम अनगिनत वाक्य और शब्द बना सकें? क्या ऐसी क्षमता हमारे दिमाग को चाहिए होती है, जिसकी बात नोअम चॉम्स्की, जो बहुत ही प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं, जिसकी बात वो करते हैं? और तीसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात मानव मस्तिष्क की भाषा की समझ के लिए है कि हमें किस वाक्य को, किस शब्द को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूसेज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन तीन चीज़ों की बात आमतौर पर की जाती है जब हम भाषा सीखने की बात करते हैं। तो एक बड़ा प्रश्न उठता है फिर कि व्याकरण क्या है, और भाषा का ज्ञान हम अर्जन करते हैं तो क्या उसमें व्याकरण भी होता है, और व्याकरण किस रूप में हमारे मस्तिष्क में रहता है, कैसा होना चाहिए, व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं? तो आमतौर पर व्याकरण की बात की गई है कि जो साउंड्स के प्रोडक्शन में और उसके पैटर्न, उसके मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, वाक्य बनाने के जो नियम है, इन सब का एक समूहन को हम व्याकरण कहते हैं, इनके एकत्रीकरण को व्याकरण कहा जाता है। और व्याकरण किसी न किसी एक गूढ़ रूप में मस्तिष्क में रहता है जिसका इस्तेमाल हम आसानी से कर पाते हैं। तीन तरह के व्याकरण की बात भाषा विज्ञान में की गई है। एक तो डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, जिससे भाषा जो मानव समाज जो भाषा का व्यवहार करता है उसका जो ज्ञान उसके मस्तिष्क में होता है, उसकी व्याख्या, उसका वर्णन, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, जिसमें हम सिर्फ जो करेक्ट फॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, मानक जो रूप हैं, हम उसी की बात करें और कहें कि उसी को बोला, पढ़ा, लिखा जाना चाहिए। ऐसे व्याकरण को प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्मेटिव व्याकरण हम आमतौर पर कहते हैं। और तीसरी कोटि होती है टीचिंग ग्रामर्स की, जिस व्याकरण का इस्तेमाल हम भाषा शिक्षण के लिए करें उसको टीचिंग ग्रामर कहा जाता है। अब जो एक बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक नोम चॉम्स्की को सब जानते हैं, और वो आजकल पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनको भाषा वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने एक यूनिवर्सल ग्रामर, सर्वभाषा व्याकरण की थ्योरी दी थी, जिनका मतलब ये था कि जो बच्चा होता है उसके मस्तिष्क में कुछ मानव भाषाओं के बारे में मूल बातें होती हैं, और एक LAD की संकल्पना उन्होंने की थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की। और ये डिवाइस जब बच्चा पैदा होता है तो समाज से इंटरेक्शन करने के बाद वो डिवाइस व्याकरण का रूप ले लेता है, और जो मानव भाषाओं में जो यूनिवर्सलिज्म होती है, सार्वभौमिकता होती है, ये उस बच्चे की मदद करता है किसी भी मानव भाषा को सीखने में। यदि हम छोटे बच्चों को, यदि दिल्ली का बच्चा है, छोटे बच्चों को हम चीन में रख दें, वो चीनी भाषा सीख जाएगा, उसे हम सीरिया में रख दें तो अरबी भाषा सीख जाएगा। तो ये क्षमता मानव मस्तिष्क में होती है, इसीलिए मानव भाषा की यूनिकनेस की बात नोम चॉम्स्की ने कहा कि, और कहा कि ये किसी अन्य भाषा से भिन्न है, और ये इसकी चॉम्स्की का जो मजबूत सिद्धांत था, इसने पिछले सारे सिद्धांतों से श्रेष्ठता पाई और ये काफ़ी प्रखर हुई। अब चॉम्स्की ने बात की एक जेनरेटिव प्रजनक व्याकरण की, और बाद में उसका रूप निकला ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर, रचनांतरक प्रजनक व्याकरण। और इसके तहत उनका ये था कि जो एक निश्चित हम नियम सीख लेते हैं समाज से इंटरेक्शन करने के बाद, और उससे हम एक इन्फिनिट नंबर ऑफ वाक्य बना सकते हैं, शब्द गढ़ सकते हैं, और हम बहुत क्रिएटिवली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अपने इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए नोम चॉम्स्की ने व्याकरण के कई मॉडल रखे, और उनका सबसे प्रखर मॉडल जो 50 के दशक में आया उसको स्टैंडर्ड थ्योरी कहा गया, और जिसकी रूपरेखा थोड़ी हमारी पाणिनी से प्रभावित लगती है, क्योंकि इसमें उनका ये फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स का कंपोनेंट है जो हमारे पाणिनी के सूत्रपाठ से मेल खाता है, और चॉम्स्की के मॉडल में भी लेक्सिकॉन की व्यवस्था है जो पाणिनी में भी धातुपाद गणपाठ के रूप में है, तो काफ़ी समानता आप देख सकते हैं। बाद में स्टैंडर्ड थ्योरी में कुछ सुझाव दिए गए, कई चीज़ों पे व्याख्या हुई, और फिर चॉम्स्की ने उसको परिवर्तित किया एक्सटेंडेड स्टैंडर्ड थ्योरी में। फिर बाद में सुझावों की श्रृंखला चलती रही, और एक्स बार थ्योरी 70 के दशक में आई, फिर 80 के दशक में गवर्नमेंट इन बाइंडिंग थ्योरी के नाम से बड़ी मशहूर थ्योरी आई,
और बाद में मिनिमलिस्ट थ्योरी का प्रतिपादन नोम चॉम्स्की ने किया। तो ये काफ़ी प्रखर परंपरा नोम चॉम्स्की की भाषा विज्ञान की रही है। साथ में यदि हम भारतीय भाषा विज्ञान की परंपरा देखें तो सबसे पुरानी भाषा विज्ञान की परंपरा हमारे देश में रही है और सबसे प्रखर और काफ़ी डीप परंपरा रही है। और हम ये आसानी से ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि शायद इससे पुरानी भाषा विज्ञान की परंपरा किसी सभ्यता में नहीं हुई है। और भाषा को हमेशा महत्वपूर्ण इसलिए माना गया कि हमारे यहाँ ओरल ट्रेडिशन थी, हम मौखिक परंपरा के लोग थे, हम लिखने में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए भाषा की ठीक से व्याख्या नहीं करेंगे तो हमारे ही टेक्स्ट हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। और इसकी बात स्पष्ट हो जाती है हमारे वेदांगों से। छह वेदांगों में चार वेदांग देखिए भाषा विज्ञान से संबंधित थे। शिक्षा यानी फोनेटिक्स, उच्चारण शास्त्र देखिए आप कितना महत्वपूर्ण था, इसके तहत शिक्षा प्रातिशाह की लंबी परंपरा चली। व्याकरण एक बहुत ही सुदीर्घ परंपरा रही और पाणिनि से पहले 10 व्याकरणों की बात मिलती है। छंद मीटर की एक पूरा विज्ञान छंद कथा मैट्रिक्स का और निरुक्त इटिमोलॉजी का डिसिप्लिन बड़ा प्रखर हुआ। और भाषा विज्ञान की परंपरा जो है दो तरह की भाषाओं पे चल रही थी। एक तो वैदिकी भाषा जिसको हम कंपोजिशनल भाषा कहते हैं, जिसमें वेदों की रचना की गई। दूसरी भाषा लौकिक जो स्पोकन भाषा स्पोकन लैंग्वेज थी। और पाणिनि ने अपने व्याकरण में दोनों तरह के भाषाओं की बात की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान को नई दिशा इस बात ने दी कि देखिए एक ऐतिहासिक भाषा होती है, कंपोजिशनल भाषा होती है, और दूसरी होती है लौकिक भाषा जो आजकल हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। दोनों में भिन्नता हो सकती है, दोनों के व्याकरण लिखे जाने चाहिए। समानताएं भी होंगी, भिन्नताएं भी होंगी। एक और परंपरा थी कि जो अन्य भाषाएं थीं और संस्कृत में बदलाव हो रहा था और वैदिक संस्कृत से क्लासिकल संस्कृत से पाली और प्राकृत भाषाओं में परिवर्तन हो रहे थे, इनको डॉक्यूमेंट करने का भी प्रयास चल रहा था वैयाकरणों के द्वारा। और इसलिए पाणिनि से पहले 10 वैयाकरणों की सूची मिलती है और उनके व्याकरण उपलब्ध नहीं है आज, लेकिन पाणिनि का व्याकरण अष्टाध्यायी हमारे पास उपलब्ध है। और इस व्याकरण ने भाषा विज्ञान की दिशा बदल दी और कई अर्थों में लोग ऐसा मानते हैं कि संभवतः कंप्यूटर की जो कंपाइलर की भाषा प्रणाली है उसका प्रादुर्भाव अष्टाध्यायी में हुआ। पाणिनि के बाद पतंजलि महाभाष्य द ग्रेट कमेंट्री बहुत ही प्रसिद्ध हुई और वाक्यपदी की मैं चर्चा करना चाहूँगा। उसी व्याकरण की परंपरा 18वीं शताब्दी तक बहुत ही प्रखर रही और आगे हम चर्चा इसके दूसरे व्याख्यान में करेंगे। फिलहाल हम अब बढ़ते हैं भाषा विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उप विषय की तरफ जिसको बोलते हैं संगणकीय भाषा विज्ञान। ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आजकल भाषा विज्ञान का जो प्रायोगिक पक्ष है ये बहुत ही प्रसिद्ध मशहूर हो रहा है और काफ़ी उपयोगी हो रहा है छात्रों के लिए, क्योंकि छात्र इसमें शोध करते हैं, कार्य करते हैं, उनके लिए नौकरी की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है इस विषय के द्वारा। इस विषय में हम क्या करते हैं कि जो प्राकृतिक भाषाएं जैसे कि हिंदी, पंजाबी, गुजराती, संस्कृत, इनके फॉर्मल यानी रूपात्मक या और कंप्यूटेबल मॉडल ढूंढते हैं। वो इसलिए कि यदि इन भाषाओं को हम कंप्यूटर में ले आएँ तो फिर कंप्यूटर से हम सीधे संवाद कर पाएंगे, हमें प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये कृत्रिम भाषा, कृत्रिम प्रज्ञान यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। तो इस विषय के दो उद्देश्य की तरफ देखें हम, तो यदि हम शॉर्ट टर्म गोल देखें तो इसमें हम आमतौर पर ऐसे ऐसे छोटे उपकरण बनाते हैं जैसे कीबोर्ड। जैसे अभी मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं कैमरे को कहूँ कि भाई आप रुक जाओ या आप चलो, या मैं स्लाइड को कहूँ कि अगली स्लाइड पे जाओ, या फिर प्रोडक्टिव कीबोर्ड्स बनाऊँ, या मैं बोलूँ मशीन लिखता जाए। तो ये सारे छोटे छोटे उपकरण जो सॉफ्टवेयर हैं भाषा के लिए, ये सारे शॉर्ट टर्म गोल में आते हैं। जो दूरगामी जो इसके उद्देश्य हैं उसमें हम ये प्रयास जानने का करते हैं कि आखिर मानव मस्तिष्क में भाषा हम कैसे रखते हैं और भाषाओं के लिए क्या नियम हो सकते हैं मानव मस्तिष्क में, क्या हम वो सारी बात कंप्यूटर में ला सकते हैं, क्या हम कंप्यूटर में मानव मस्तिष्क में भाषा संचालन का मॉडल ला सकते हैं कि नहीं। तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और ऐसे गोल्स को आमतौर पर इंडस्ट्री फंड नहीं करती और ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं आते। तो शॉर्ट टर्म गोल्स ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और इस पर कार्यान्वयन ज़्यादा होता है।
अब एक बड़ा प्रश्न बहुत से लोगों ने कहा कि जो कृत्रिम प्रज्ञान है या संगणकीय भाषा विज्ञान है, इसमें संस्कृत का काफ़ी योगदान है और पाणिनि का काफ़ी योगदान है। तो जैसा मैंने पहले कहा है कि पाणिनि व्याकरण जो है ये बहुत ही एक पहली रूपात्मक व्याकरण जैसी एक प्रस्तुति हुई थी भारतीय परंपरा में, और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब पाणिनि के व्याकरण में जो सिस्टमिक बात है उसकी हम बात देखें तो किसी भी प्राकृतिक भाषा का जो फंक्शनल सॉफ्टवेयर है उसमें चार अवयव होते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो आप हमारी बात सुन रहे हैं और आपका मस्तिष्क ध्वनियों को पार्स कर रहा है, उसको समझने की का प्रयास करता है पहले, और जब ध्वनियों को वो समझ लेता है उसके बाद भाषा के नियम लगते हैं डिक्शनरियों की मदद से, कोशों की मदद से, और फिर उसका सारी अंडरस्टैंडिंग निखर के आती है। तो पाणिनि के व्याकरण में पहला जो कॉम्पोनेंट है वो है फोनेटिक कॉम्पोनेंट, इसको हम अक्षर समामनाएँ में 14 शिव सूत्र हैं और प्रत्याहारों से डायनेमिक साउंड क्लासेस बनते हैं ऑटोमेटिकली। उसके बाद सूत्र पाठ है, 4000 के करीब ग्रामर के नियम हैं, वो एक अलग अलग कोटियों में बटे हुए हैं, ये अपने एक निश्चित क्रम से लगते हैं और निष्पादन होता है और फिर चीज़ें बनती बिगड़ती हैं। और फिर जो डेटाबेस, जो महत्वपूर्ण अंग किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर का होता है, तो महत्वपूर्ण डेटाबेस इसमें है लेक्सिकॉन के रूप में, धातु पाठ और गण पाठ, जिसमें प्रविष्टियाँ एक निश्चित क्रम से रखी गई हैं, बहुत ही गूढ़ और मैं समझता हूँ कि बहुत ही डीप रूटेड तकनीक से ये कोश बने हुए हैं और जिनका समुचित अध्ययन हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो एक अच्छे प्रोग्रामर्स हैं कंप्यूटर साइंस के, उनको इन पाठों का अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा जो एक अंतिम मॉड्यूल है जिसको हम लिस्ट कहते हैं, जो छोटी छोटी प्रविष्टियाँ हैं और रूल स्पेसिफिक एंट्रीज हैं, उनको पाणिनि ने अलग से रख रखा है। अब पाणिनि का सिस्टम क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उसकी बात हम कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं, ये ज़्यादा रूपात्मक है। पहला ऐसा व्याकरण जो मानव सभ्यता ने प्रस्तुत किया जो कि ज़्यादा रूपात्मक है, और इसमें जो इसकी जो विधियाँ हैं वो ऑलमोस्ट अनएम्बिगुअस है। कंप्यूटर साइंस में हम हमेशा प्रोग्रामिंग में ये बात करते हैं कि हमारा कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोसीजर एम्बिगुअस ना हो, वो एक स्ट्रिंग पे लगे और एक ही उत्तर आए उसका, एक अधिक उत्तर आएगा तो एम्बिगुअस हो जाएगा, कंप्यूटर हैंग कर सकता है। और इसीलिए जो व्याकरण की जो विधियाँ हैं अनएम्बिगुअस हैं, और इसीलिए ये कंप्यूटर साइंटिस्ट को एक निश्चित एक दिशा देता है कि आप इस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और इसकी जो संरचना है पाणिनि व्याकरण की, ये एक अच्छे सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम के सिमिलर है, बल्कि मुझे लगता है काफ़ी उससे भी सुदृढ़ है और अच्छा है, क्योंकि मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर था अमेरिका में, तो मैं ये बात कह सकता हूँ। और पाणिनि में एक बहुत अच्छी बात है कि हम व्याकरण में विधि करने से पहले सामग्री इकट्ठा करते हैं और वेरिएबल्स बनाते हैं, और वेरिएबल्स बनाने के बाद उसका वैल्यू उसमें डालते हैं। जैसे कि प्रोग्राम में हम वेरिएबल बना के उसमें उसको वैल्यू देते हैं और फिर उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं उसका, और वृद्धि की जाती, इवैल्यूएशन किया जाता, एक्सपेंशन किया जाता है। यदि हमने कोई एक फंक्शन लिखा है और उसको बारंबार हम प्रयोग कर रहे हैं, तो हर बार जब वो फंक्शन इस्तेमाल होता है उसकी वृद्धि की जाती है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है, उसको एक्सपेंड किया जाता है। तो ये सारी बात, सारे आइडियाज़ पाणिनि के ग्रामर में पहले से हैं, मौजूद हैं। और ऐसा बहुत से लोग मानते हैं कि जो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स हैं और रिप्लेसमेंट प्रोसीजर्स हैं, संभवतः पाणिनि ने इसको सीधे और इनडायरेक्टली प्रभावित किया हो। अब जो दो मुख्य रूप से जो बात मैं करूँगा, सैद्धांतिक और प्रायोगिक संगणकीय भाषा विज्ञान में, जो सैद्धांतिक भाषा विज्ञान संगणकीय भाषा विज्ञान है उसमें हम मानव भाषा को रूपात्मक स्वरूप देने की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे हिंदी का एक संगणकीय भाषा विज्ञान के तहत एक व्याकरण बनाना हो, तो एक हम कोई रूपात्मक व्याकरण लेंगे, उसमें हिंदी को ढालने का प्रयास करेंगे, तो ये सैद्धांतिक पक्ष हो जाएगा उसका। लेकिन यदि हम कुछ उपयोगी सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करें हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे फॉन्ट हो, चाहे ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर हो, तो इन सबको हम उसका प्रायोगिक क्षेत्र कहेंगे और उसकी काफ़ी उपयोगिता है। अब इसके जो विषय हैं संगणकीय भाषा विज्ञान के, एक तो हम प्राकृतिक भाषा को समझने का प्रयास करते हैं, प्राकृतिक भाषा विश्लेषण, और फिर हम समझने के बाद भाषा का निर्माण भी करते हैं,
हमें यदि मशीन से बुलवाना हो, मशीन से कुछ पढ़वाना हो, मशीन अनुवाद करवाना हो, तो प्राकृतिक भाषा का निर्माण करना पड़ेगा। फिर स्पीकर और स्पीच रिकॉग्निशन, यदि मैं बोलूं और मशीन ये कह दे कि गिरीश झा बोल रहे हैं तो स्पीकर रिकॉग्निशन हो गया, और मैं जो बोलूं मशीन उसको लिखने लगे तो स्पीच रिकॉग्निशन हो गया। यदि मशीन पढ़े और जो लिखा हुआ स्क्रीन पे तो स्पीच सिंथेसिस हुआ, और यदि मैं सॉफ्टवेयर से बोल के लिख के इंटरैक्ट संवाद कर सकूं तो वो नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस की बात होगी। और मशीन अनुवाद सब लोगों को पता है कि हम कंप्यूटर से अनुवाद कराते हैं। अब देखेंगे प्राकृतिक भाषा विश्लेषण कैसे होती है। हमने कंप्यूटर को भाषा दी, कंप्यूटर ने उसकी व्याख्या की। इसमें दो तरह के मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, हम या तो व्याकरण के नियम दें, या यदि व्याकरण के नियम अच्छे नहीं हैं या रूपात्मक शैली में नहीं है तो जो हम भाषा का व्यवहार है उससे मशीन को हम ट्रेन कर सकते हैं। इसके जो आमतौर पर कॉमन टास्क हैं, पीओएस टैगिंग कराते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग कराते हैं। यदि मशीन से कहा जाए कि भाई आप जो वाक्य में जो व्याकरण की कोटियाँ हैं उसको बताएं, तो ये टैगिंग हो गई। और चंकिंग में हम जो समूहन करते हैं, जो व्याकरणिक कोटियों को एक साथ रख के अलग से उसकी लेबलिंग करते हैं। पार्सिंग में पूरे वाक्य की हम व्याख्या करते हैं। और प्राकृतिक भाषा निर्गम में हम यदि एनालिसिस से, व्याख्या से, मशीन से भाषा निर्माण करवाएं, हम मशीन से भाषा बनवाएं, यदि शब्द बनवाएं, वाक्य बनवाएं या स्पीच बनवाएं, तो उसको निर्माण कहा जाता है। इसमें भी हम दोनों शैली का प्रयोग करते हैं, रूल बेस्ड स्टेटिस्टिकल। और इसमें कोई भी कॉमन टास्क जो हम भाषा में करना चाहते हैं, टेक्स्ट पढ़वाना हो या मशीन से कुछ लिखवाना हो, अनुवाद करवाना हो, ये सारे टास्क नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। स्पीकर रिकॉग्निशन में जैसा मैंने बताया कि मैं मशीन से बोलूं और मशीन मुझे पहचान ले, ये स्पीकर रिकॉग्निशन का क्षेत्र है। इसके जो कार्य क्षेत्र हैं सिक्योरिटी में और क्रेडिट कार्ड्स में, बैंकिंग में, हर जगह जहाँ के पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वाणी अभिज्ञान में हम बोलें मशीन से, मशीन लिखता जाए या फिर डेटा एंट्री कर दे, इनपुट कर दे, इसको वाणी अभिज्ञान कहते हैं। बड़ा उपयोगी विषय है ये, क्योंकि हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा। और इसमें जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो पढ़ नहीं सकते, इसके लिए हम स्पीच सिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। हम मशीन पे को लिखा हुआ टेक्स्ट देते हैं, मशीन उसको पढ़ के सुनाता है, और इसका इस्तेमाल शिक्षा में भी काफ़ी है। आगे बढ़ते हुए हम प्राकृतिक भाषा अंतर्मुख यानी नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर को कन्वेंशनल मेथड्स, जो हम उसके मेनू से ऑपरेट न करके हम सॉफ्टवेयर से उसको इस्तेमाल करें, इसका एक बड़ा क्षेत्र है। हम बड़ी बड़ी मशीनों को, जैसे कि टीवी है, जैसे वॉशिंग मशीन है, उसको हम वॉइस से संचालित करें, मोबाइल फ़ोन को वॉइस से संचालित करें, ये सारे नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस के अंतर्गत आते हैं। बड़ा बड़ा क्षेत्र है ये। आगे बढ़ते हुए हम मशीन अनुवाद की बात करें, जहाँ पर हम मशीन को एक स्रोत भाषा देते हैं और मशीन से उम्मीद करते हैं कि वो निर्गत भाषा, टारगेट भाषा बनाए। जैसे हमने संस्कृत दिया और मशीन ने हिंदी में उसका अनुवाद कर दिया, और इसका प्रयोग शिक्षा में, गवर्नेंस में, मीडिया में। अब देखें जो हमारा देश है, बहुभाषीय देश है, इसमें तो इसकी अपार संभावनाएं हैं। कई सारी हमारी भाषाएं हैं, लोगों में आपस में संवाद भी होगा तो इसी के जरिए होगा। और संगणकीय भाषा विज्ञान और संस्कृत में एक के बहुत विस्तार से ये क्षेत्र है। मैं उसका एक छोटा सा पक्ष ले रहा हूँ कि कैसे संगणकीय भाषा विज्ञान संस्कृत की सहायता कर सकता है। तो आज देखिए संस्कृत में विशाल सामग्री है टेक्स्ट की, तो यदि हम संस्कृत में इनपुट आउटपुट टूल्स की व्यवस्था करें, कैसे हम आसानी से इनपुट दे सकें वॉइस के ज़रिए या इमेज के ज़रिए, कैसे आउटपुट ले सकें, ऐसे टूल्स बनाने पड़ेंगे। फिर डेटा एडिटिंग, स्पेल चेकिंग, ग्रामर चेकिंग वगैरह के टूल्स बनाने पड़ेंगे। स्पीच सिंथेसिस के, स्पीच रिकॉग्निशन के टूल्स बनाने पड़ेंगे। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का बड़ा इस्तेमाल होगा मैनुस्क्रिप्ट पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन में। और डिजिटल लाइब्रेरी हम बना सकते हैं संस्कृत के टेक्स्ट को दुनिया भर में प्रसारित करने के लिए। और ई शिक्षण बड़ा महत्वपूर्ण होगा, दुनिया भर में लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, यहीं से हम ई शिक्षण के माध्यम से उनको पढ़ा सकते हैं। तो ये संस्कृत के लिए बहुत विस्तार से, बहुत बड़ा एक क्षेत्र संगणकीय भाषा विज्ञान का है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा। आशा से यद भाषा विज्ञानम संगणकीय भाषा विज्ञानं च इति विमर्शेन नूनं भवन्तो लाभान्विता भविष्यन्ति इति। धन्यवादः।